हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससीओ समिट 2019 के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो हुआ है किर्गिस्तान में। डिस्कस करेंगे समिट में क्या हुआ है, व्हाई डज इट मैटर टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो विदाउट डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com में। आपको 100% कवरेज मिलेगा ऑफ द सिलेबस एंड इट्स प्रीटी मच द बेस्ट कोर्स फॉर यू। नाउ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेन्स जीएस पेपर 2 अंडर सब सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ एग्जाम परस्पेक्टिव से, प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो आपको ये पता होना चाहिए जो रिसेंट 2019 में एससीओ समिट हुआ है, ये हुआ है सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान में और ये 19वां एससीओ समिट था। नाउ ये जाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किर्गिस्तान पहुंचे कैसे। पहली बात तो किर्गिस्तान है कहाँ पर? एज यू कैन सी, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको लिखेगा नॉर्थ में किर्गिस्तान। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है इन सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना के साथ अपनी बॉर्डर ये शेयर करता है। इसकी राजधानी है बिश्केक जो आपको यहाँ पर दिखेगी और यहीं पे हुआ है 19वां एससीओ समिट। 18वां एससीओ समिट हुआ था चाइना में और इसके बाद 2020 का एससीओ समिट होने वाला है रशिया में। ऑलराइट, नाउ ये ध्यान से देखना, अगर आपको मान लो इंडिया से किर्गिस्तान जाना है तो इसका सबसे आसान रास्ता है न्यू दिल्ली से टेक ऑफ, फिर पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हुए, तजिकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हुए आप किर्गिस्तान में पहुंच जाओगे। एक और रास्ता आप कह सकते हैं कि थ्रू चाइना भी ये पॉसिबल है, नहीं एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको अगर तिब्बत के ऊपर से गुजर कर किर्गिस्तान पहुंचना है तो मतलब कि आप हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर से गुजरने की बात कर रहे हो, जो कुछ हद तक डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कि प्लेन में कुछ ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो इमरजेंसी लैंडिंग इस माउंटेनियस रीजन में आप कहीं पर कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जो भी हमारी फ्लाइट्स होती हैं फ्रॉम इंडिया टू किर्गिस्तान, आप ट्रेडिशनली देखोगे तो सिर्फ पाकिस्तान और तजिकिस्तान के थ्रू ही होती है। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया, देखो जब से फरवरी 26 को हमने पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी, बालाकोट में आतंकवादी मारे, तब से पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस फ्रीज कर दिया है और एयरलाइन की एक्टिविटी पाकिस्तान में ना के बराबर है। इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तानी एयरलाइंस को और इंडियन एयरलाइंस को और इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी। तो अपनी एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान करवाने के बाद पाकिस्तान ने बहुत ही क्लेवरली डिसीजन ये लिया कि वो लोग 15 जून को अपना एयर स्पेस खोल देंगे। अब ये जो डेट है बहुत ही क्लेवरली चूज़ करी गई है क्योंकि इनको पता था कि पीएम मोदी 13 जून को इंडिया से निकलेंगे टुवर्ड्स किर्गिस्तान। पाकिस्तान का प्लान यहाँ पर यह था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगी, फिर पीएम मोदी का प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगा और वो साथ साथ एक पीआर कैंपेन करेंगे, उनका मीडिया ये बात दोहराएगा कि देखिए मोदी जी यहाँ से गुजर रहे हैं, और वो बेसिकली उसको एक आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक जीत की तरह दिखाएंगे, जबकि एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मगर पाकिस्तान काफ़ी हद तक ये करने वाला था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम लोग पाकिस्तान के थ्रू पीएम मोदी का प्लेन फ्लाई नहीं करेंगे, हम लंबा रूट लेंगे, मगर हम बेसिकली एक स्टेटमेंट देंगे। तो मोदी जी का जो प्लेन था वो दिल्ली से निकला, उसके बाद गुजरात, इवन दो गुजरात में साइक्लोन का खतरा है, यहाँ से गुजरा, फिर ईरान के थ्रू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान ने इंडिया की ग्रोथ को कई दशकों तक रोक के रखा, अपना जो इनकी लोकेशन का एडवांटेज है इसको यूज़ करते हुए हमको ट्रेड करने से रोका विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड सो ऑन। आज भी ये इशू सामने आ रहा था, तो इंडिया ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी कि हम लिटरली पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे इन एवरी वे पॉसिबल, और तब भी हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम नया पाथ लेंगे दिल्ली से लेकर, ईरान से लेकर, फिर हम ये जो रूट है ये लेकर किर्गिस्तान पहुंचेंगे। इवन दो ये रूट पाकिस्तानी रूट से 2 गुना लंबा था, पीएम मोदी को करीब 5.5 घंटे लग गए किर्गिस्तान पहुँचने में, मगर इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार पीएम मोदी ने अपना रूट चूज़ कर लिया था कि ईरान के थ्रू हम किर्गिस्तान जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि हमारा आप एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता था कि ये बेसिकली डिप्लोमेटिकली एक बहुत ज़रा ख़राब मूव था 15 जून तक अपने एयर स्पेस को बंद रखना और बेसिकली ये एक्सपेक्ट करना कि इंडियन गवर्नमेंट उनसे परमिशन मांगेगी, ये बहुत ज़रा लो लेवल की पॉलिटिक्स होती है। तो आई थिंक बाद में जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स है पाकिस्तान में, उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा कि ये करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। खैर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हुई,
अब SCO समिट में सारे लीडर्स पहुंचे, इमरान खान पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग। अब ये जब समिट शुरू हो रहा था तो देखिए समिट में एक प्रोटोकॉल होता है, जब सारे लीडर्स आ रहे होते हैं सबको खड़ा होना होता है। उस टाइम एक बहुत ज़्यादा अजीब दृश्य ये देखने को मिला कि जब सारे वर्ल्ड लीडर्स खड़े हुए थे, इमरान खान थोड़े से कन्फ्यूज लग रहे थे, कभी ये खड़े हुए कभी बैठ गए और बिल्कुल इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था काफ़ी हद तक थके हुए हैं, बस ये बैठना चाहते हैं। इवन दो मोदी जी की फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, इनकी फ़्लाइट काफ़ी छोटी थी, मगर ये मैं कहूँगा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है इंटरनेशनल फोरम्स में। जब सारे लीडर खड़े हैं आप बैठते हो तो लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकालते हैं कि शायद ये लीडर कुछ मैसेज भेजना चाहता है या फिर ये कुछ कन्वे करना चाहता है कि हमारी पॉलिसी आप सबसे डिफरेंट है, और ये काफ़ी हद तक रूड भी माना जाता है। ना अभी हमने बहुत सारे SCO लीडर्स को वहाँ पे वीडियो में देखा, अब जान लेते हैं बेसिकली कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आपके सामने लिस्ट है। सबसे पहले इसको ज्वाइन किया था 1996 में चाइना ने, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे 2001 में उज़्बेकिस्तान आया, और फिर उसके बाद 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने भी इसको इकट्ठा ज्वाइन कर लिया था। इनिशियली क्या था कि चाइना की जो डोमिनेंस थी इस पूरे ग्रुप में उसको देखते हुए रशिया चाहता था कि इस ग्रुप में इंडिया को भी लाया जाए। बाद में चाइना ने कहा कि ठीक है अगर इंडिया आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, ताकि चाइना की तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट करने वाला वहाँ पर हो। तो इस तरीके से ये संगठन फॉर्म हुआ। आज के टाइम में ग्लोब का एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क SCO के पास है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रीज आते होगी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू लैंड रूट, सारी कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो। अगर इन सब कंट्रीज़ के कोई बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, तो बहुत ही आसानी से आप दिल्ली से मॉस्को पहुँच सकते हैं या फिर मॉस्को से बीजिंग भी पहुँच सकते हैं। नाउ SCO का जन्म प्रॉपर तरीके से हुआ था जून 2001 में, इसको अनाउंस कर दिया गया था कि यह फॉर्म होगा। इससे पहले ये जो पांच देश थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, इन्होंने मिलकर बनाया था शंघाई ग्रुप ऑफ फाइव। अब आप कह सकते हैं ये SCO एक सक्सेसर है उस ग्रुप का, ऑलराइट। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, चाहे इसके नाम में शंघाई हो, इस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आपको शंघाई में नहीं मिलेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग में। नाउ SCO बेसिकली किस टाइप का ग्रुप है, इसको बनाया क्यों गया था, बेसिकली ये करता क्या है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खास निकल के आया नहीं है। ये ग्रुप वैसे कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, जो बात ठीक है, क्योंकि SCO कंट्रीज़ आपस में मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग करती हैं, वो सब काफ़ी हद तक एक्टिव है, मगर अब तक SCO से कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील या फिर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर का सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। आप कह सकते हैं कि एकॉम्प्लिशमेंट के मामले में SCO ने अभी तक कुछ खास प्राप्त नहीं किया। इंडिया के लिए SCO इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम बेसिकली SCO के जरिए बैलेंसिंग कर सकते हैं बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। इंडिया हमेशा चाहता है कि उसका न्यूट्रल स्टांस रहे, उसको साइड ना चूज करनी पड़े बिटवीन रशिया एंड चाइना एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। अब हालांकि इंडिया आज के टाइम में G7 जैसे इंपॉर्टेंट समिट्स में एज ए गेस्ट जाता है, उसके अलावा USA के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, यूरोप के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ सिंस इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है तो एक बहुत ही नेचुरल इंडिया का इंक्लूजन बनता है SCO में। और SCO में इंडिया का आना रशिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेसिकली रशिया के कहने पर ही, रशिया के इंसिस्टेंस पर ही इंडिया को यहाँ पे मेंबर बनाया गया था। तो हर लिहाज से इंडिया का इस ग्रुप का पार्ट बनना, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। हालांकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को रेडिकली इम्पैक्ट नहीं करता। पाकिस्तान के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये हमको एक एडवांटेज ये देता है कि पाकिस्तान से मान लो कल को हमको रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो हम SCO का फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तानी लीडर्स के साथ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन करने में। क्यों? क्योंकि SCO समिट तो अब होते नहीं हैं, तो बस एक यही फोरम बचता है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स इकट्ठा आके मिल सकते हैं। उसके अलावा SCO इंडिया को सूट इसलिए भी करता है क्योंकि SCO बना है शंघाई स्पिरिट पर। शंघाई स्पिरिट ये कहता है कि SCO देश आपस में हार्मनी रखेंगी और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई कमेंट नहीं करेगी कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या वहाँ पे कोई ये इशू है, जो काफ़ी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिखता है। SCO में ऐसा कुछ है नहीं, दे प्रिटी मच वांट टू से कि हम सब लोग अपना बिजनेस माइंड करेंगे, कोई किसी पर कमेंट नहीं करेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आतंकवाद, उस पर जनरल कमेंट हो सकती है
कि आतंकवाद रुकना चाहिए, मगर आपको SCO में कभी पाकिस्तान इंडिया पे या फिर इंडिया पाकिस्तान पे कोई डायरेक्ट कमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये SCO के स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। उसके अलावा SCO की इंपॉर्टेंस ज़रा इसलिए भी है क्योंकि SCO की जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वहाँ पर अफगानिस्तान भी आता है। तो जब मोदी जी SCO समिट को ये अटेंड करने गए तो वहाँ पे जी जिनपिंग के साथ बात हुई, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन के साथ बात हुई, साथ ही साथ अशरफ गनी के साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को आगे बढ़ाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बिटवीन व्लादिमीर पुतिन एंड नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर मेन इशू ये था कि रशिया चाहता है कि आर्कटिक सर्कल के पास जो वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, अब वहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल की ड्रिलिंग होगी, तो रशिया चाहता है कि इंडियन कंपनीज वहाँ पे बिलियंस इन्वेस्ट करे और जो भी प्रॉफिट होगा रशिया इंडिया मिलके बांट सकते हैं। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और व्लादिमीर पुतिन ने फिर से यहाँ पे इंडिया को इनवाइट किया है। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को टू द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो रशिया में होने जा रहा है। पिछले साल यहाँ पे चीफ गेस्ट थे चाइना के जी जिनपिंग। नाउ जी जिनपिंग की अगर हम बात करें तो उनके साथ भी एक काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली 2019 में आपको जी जिनपिंग इंडिया के दौरे में दिखेंगे और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट होगी वो फॉर बोथ द कंट्रीज। उसके अलावा सिंस ये पूरी समिट हुई थी किर्गिस्तान में तो ये काफ़ी अच्छा मौका था किर्गिस्तान इंडिया बिजनेस को भी हाईलाइट करने का, और इसी दौरान किर्गिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम भी हुआ जहाँ पर दोनों कंट्रीज ने ट्रेड को इम्प्रूव करने की बात करी। उसके अलावा एक बड़ी अनाउंसमेंट ये आई है कि इंडिया रशिया चाइना ये तीनों कंट्रीज SCO में सिर्फ तीन ही देश हैं जो G20 के भी मेंबर हैं, ठीक है पाकिस्तान तो है नहीं। तो इंडिया रशिया चाइना सिंस ये ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, उसके अलावा SCO में भी मेंबर हैं और G20 में भी मेंबर हैं, तो G20 में इन तीनों कंट्रीज़ की अलग से एक ट्रायलैटरल मीटिंग होने वाली है। ये बेसिकली एक तरीका होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक मैसेज देने का कि इंडिया के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड वी हैव गुड रिलेशंस विद प्रीटी मच एवरीवन, कि कल को अगर मान लो US ज़रा प्रेशर डालता है हम पे तो वी कैन क्लियरली चेंज आर फॉरेन पॉलिसी एज वेल। उसके अलावा इस समिट में देखिए इंडिया का खास एम्फोसिस था आतंकवाद पर। PM मोदी ने मसूद अजहर का इशू उठाया विद चाइनीज प्रेसिडेंट और ये कहा कि मसूद अजहर की लिस्टिंग काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा रीजन में जो टेररिस्ट कैंप्स है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी डिसमेंटल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। उसके अलावा देखिए SCO में कोई बड़े प्रोजेक्ट पर या फिर कोई बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट पे काम होता नहीं है, ना यहाँ पे कोई बॉर्डर के सोल्यूशन निकाले जाते हैं, ना यहाँ पे कोई डिस्प्यूट के सोल्यूशन निकाले जाते हैं, घूम फिर के ये बात होती है। और ये है कि आने वाले समय में ये सारी कंट्रीज मिलके एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेशन करेंगी। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, होगा वो होगा रशिया में। तो ये सारे लीडर्स अगली बार फिर रशिया में मिलेंगे 2020 में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।